हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और शॉपिंग का हॉल वीडियो फ्रॉम अमेज़न। आज के हॉल में मैं आप सबके साथ में स्किन केयर, हेयर केयर, साथ ही साथ कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। मतलब ब्यूटी रिलेटेड आज का वीडियो रहने वाला है। सो दोस्तों, अमेज़न प्राइम डे सेल लाइव होने वाली है 20 से लेकर 24th ऑफ जुलाई तक, जहाँ पे आपको 50-80% तक का ऑफ मिलेगा 1500 प्लस टॉप ऑफ द ब्रांड्स पे, प्लस सेम डे डिलीवरी मिलेगी 4 लाख प्लस स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स पे। तो एक्सप्लोर करिए एंड जाइए शॉप करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा विजिट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें ली है। तो फर्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं खुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो था, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, जो कि है ये अराटा का एडवांस कर्ल हेयर शैम्पू। तो ये वाला जो शैम्पू है, मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये शैम्पू कैसा है, किस तरह से वर्क करता है। तो ये वाला जो शैम्पू है, इसके बारे में सबको पता है कि सब ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। तो ये वाला जो शैम्पू है, ये आपके हेयर को बहुत ही अच्छे से क्लेंस करता है। एट द सेम टाइम आपके जो कर्ली हेयर होते हैं, स्पेशली जिनको कर्ली हेयर है ना, ये शैम्पू उन्हीं के लिए बनाया गया। तो जिनके कर्ली हेयर होते हैं, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये वाला शैम्पू क्या करता है, उनको बहुत अच्छा मैनेजेबल बना देता है। क्योंकि ये वाला जो शैम्पू है, ये आपके हेयर को जो है बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, क्लेंस करता है, साथ ही साथ मॉइस्चराइज करता है, जिससे आपके जो बाल होते हैं ना, उसमें ड्राइनेस नहीं होती। क्योंकि उलझने ज़्यादातर, फ्रिज ज़्यादातर तभी होती है जब आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो। तो ये वाला शैम्पू बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर आप भी कर्ली हेयर के लिए, स्पेशली कर्ली हेयर के लिए, अगर आपको ऐसा सा शैम्पू ढूंढ रहे हो, तो आप ये वाला शैम्पू ज़रूर एक बार ट्राई करके देखो, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अंदर में मुरमुरु बटर है, हेबिस्कस है, कोकोनट वाटर है, जो कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे हेयर के लिए वैसे भी बेनिफिशियल होता है, हम सब जानते हैं। तो डेफिनेटली एक ट्राई आपको इस शैम्पू को ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ, वो है मेरा ये गार्नियर का स्किन नेचुरल का मिसेलर वाटर। तो ये वाला जो है, ये बहुत ज़्यादा सही, अफोर्डेबल एंड हर टाइप की स्किन को सूट करने वाला मिसेलर वाटर है मेकअप रिमूव करने के लिए। तो अगर आप भी कोई अच्छा सा मेकअप रिमूवर खरीदना चाहते हो, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। क्योंकि मैं इसको आई थिंक 5 से 6 साल हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हैं, कभी कोई स्किन प्रॉब्लम की इशू नहीं हुई। तो ये बहुत ही अच्छा मिसेलर वाटर है। नेक्स्ट जो मैंने पिक करा था, वो मैंने लिया था एक नेल पेंट, जो कि लेवेंडर कलर में था। स्पेशली समर्स के लिए मुझे चाहिए था कोई अच्छा सा पेस्टल कलर, मेरे नेल्स में वैसे भी निकल गया, तो अब मैं इसको अप्लाई करूँगी क्योंकि ये मेरे को मिल गया है। तो ये दिवेला का जो है ना नेल पेंट है, और काफ़ी अच्छा इसका कलर है। तो आप देख सकते हो शेड बहुत ही प्यारा है, स्पेशली गर्मियों के लिए कितना सुंदर शेड है। तो इसको आप भी लेना चाहते हो अगर इस टाइप का कोई पेस्टल में शेड, तो आप इसको ले सकते हो, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। नेक्स्ट मैंने लिया था दोस्तों, मैंने ये माई ग्लैम का ये वाला मनीष मल्होत्रा वाला जो है ना, ये मैंने लिपस्टिक लिया था। तो इसको चलो मैं ओपन करती हूँ, मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं करा एक्चुअली। सो यहाँ पे तो ये जो लिपस्टिक है ना, तो ये इसका आप देख सकते हो पैकेजिंग बहुत ही क्लासी है। तो ये हमारा माई ग्लैम का मनीष मल्होत्रा एडिशन लिपस्टिक है, और काफ़ी खूबसूरत पैकेजिंग करी हुई है कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा शेड रहेगा, तो लिपस्टिक भी काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है एंड शेड बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक है। मेरे पास में है एक, तो मैंने ये वाला यूज़ नहीं करा हुआ है, बट मैंने इसका एक और बुलेट लिपस्टिक है वो यूज़ करा हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी अच्छा है और मॉइस्चराइजिंग है। इसको जब मैंने अप्लाई किया, तभी एक बार एक स्ट्रोक में पता चल गया कि काफ़ी मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग ये लिप शेड है। तो अगर आप भी लेना चाहते हो, तो ज़रूर बाय करिए। नेक्स्ट मैंने लिया है एक और शुगर का हमारा लिप शेड, जो कि हमारा ये शार्पनर के साथ में आया है, जो कि अच्छी बात है। तो ये जो है, ये एक पेंसिल लिपस्टिक जैसा रहेगा, तो इसमें आपको साथ में ही शार्पनर मिल जाता है, आप ये देख सकते हो। तो अब लिपस्टिक को ओपन करते हैं। शुगर की लिपस्टिक भी काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रहेगी हमारी शुगर की लिपस्टिक, और ये भी बहुत ही प्यारी शेड है, आप देख सकते हो। तो इसके साथ में आपको शार्पनर मिलता है, जो कि आप इसको, बहुत ही प्यारा शेड है, सिंगल स्ट्रोक में आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कलर है।
तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो इन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में एक सिंगल लिंक में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर लेना एंड बाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको कौन सा वाला लिप शेड ज़्यादा पसंद आया मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।